बाजार में हमारी बिक्री में 20% की गिरावट आई है। दूध सागर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कमलेश, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? नहीं नहीं मां साहब, वो हम कुछ दिनों से ठीक से सोए नहीं है, बस इसीलिए। मां साहब, ये सब जो हो रहा है ना, वो परी भाभी की ही देन है। ना ये केस करती और ना ही लोगों का हम पर से भरोसा उठता। हमारे पास एक आइडिया है, अगर थोड़ी सी इमेज खराब हो ही गई है तो क्यों ना हम नई इमेज बनाएं? हम में से आपकी आइडियों की किसी को जरूरत नहीं है भाभी। बबीता, साफ साफ बोल, तू क्या कहना चाहती है? माँ साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि मिलावट तो एक चीज हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग दूध सागर से लगाव रखते हैं। तभी तो सिर्फ 20% की सेल्स में गिरावट हुई है। बस हमें लोगों को ये याद दिलाना है कि उनकी पीढ़ियां दूध सागर का दूध पी के ही पली बड़ी है। सही कहा भाभी, हमें किसी सेलिब्रिटी को लेके एड बनाना चाहिए जो हम टीवी या न्यूज़पेपर में दे सके। क्यों? हाँ हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है, हम एक काम करते हैं। बिल्कुल, एड तो बनना ही चाहिए, लेकिन किसी सेलिब्रिटी के साथ नहीं, बल्कि हमें उन माओं के साथ बनाना चाहिए जो अपने दूध की जगह अपने बच्चों को दूध सागर का दूध पिलाती है, या फिर स्पोर्ट्समैन जिनका ये मानना है कि दूध सागर का दूध पी के उन्हें ताकत मिलती है। बात तो तू सही कह रही है। ये मां साहब के दिल में जगह बनाते बनाते ना हमें उनके दिल से आउट ना कर दे। भाभी, प्लान तो अच्छा है लेकिन पैसे बहुत लग जाएंगे। हम जानते हैं बबीता, लेकिन रोज रोज का नुकसान सहने से अच्छा है कि हम एक बार ही एड में पैसे इन्वेस्ट कर देते, फिर बाद में दूध सागर का मुनाफा ही तो होगा इससे। कमलेश, चल काम पे लग जा। बाजार में हमें दूध सागर की नई पहचान बनानी है। मां साहब, वो हमें आपसे एक बात करनी थी। बोल। मां साहब, ये नए काम की जिम्मेदारी हम नहीं संभालना चाहते। क्यों? मां साहब, काम पे तो हम लग जाते हैं, लेकिन आजकल हमारे सर में बहुत दर्द रहता है। वैसे हम आपको बताना नहीं चाहते थे क्योंकि आप खामखा परेशान होती, लेकिन अब बताना जरूरी हो गया। हम डॉक्टर के पास गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, और डॉक्टर ने हमारे सर दर्द की वजह सिर्फ और सिर्फ तनाव बताया। और डॉक्टर ने हमें ये भी कहा कि आपने अपने मन को शांत नहीं किया तो आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसलिए मां साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे काम का बोझ थोड़ा हल्का कर दें। ठीक है, जाओ तुम आराम कर। सत्तू, जा तू इस काम की जिम्मेदारी ले, आज से तू ही ये काम शुरू कर। जी मां साहब। We'll be right back.
हो क्या गया है? मां साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम आपको दिया, लेकिन आप तो पीछे हट गए। जब आपकी माँ बुढ़ापे में इतना सारा काम कर सकती है, तो आपकी तो अभी उम्र ही क्या हुई है? अरे छाया, तुम्हें क्या लगता है हम अपने मन से पीछे हटे हैं? अरे उस माँ साहब के चमचे सत्तू ने हमसे स्टोरी बना के घुमा फिरा के कहा कि दूध में मिलावट वाली गलती को सुधारने के लिए आपको कुछ करना होगा। अब समझ में आया? आपको क्या लगता है कि वो वीडियो सत्तू भैया ने खुद देखा होगा? नहीं, वो वीडियो परी ने जानबूझकर सत्तू भैया को दिखाया। ये सारा किया धरा उसी लड़की का है, जिसकी वजह से माँ साहब ने सारा काम सत्तू को दे दिया। आपने देखा नहीं कि किस तरह से परी ने अपना आइडिया दिया और माँ साहब ने सारे काम की जिम्मेदारी सत्तू को सौंप दी। ये दोनों धीरे धीरे माँ साहब को अपने जाल में फंसा रहे हैं, ताकि दूध सागर इनके नाम हो जाए और हमें कुछ भी ना मिले। शायद तुम सही कह रही हो छाया। रिश्ते में तो हम सत्तू के भाई लगते हैं, लेकिन चालबाजी में हम उससे 10 कदम आगे हैं। अब तुम देखना उस सत्तू पे हम कैसा उल्टा वार करते हैं। मां साहब, आपने हमें बुलाया? तुझे शबाशी देने के लिए, क्योंकि सुबह तूने बड़ी पते की बात करी। ऐसी बात कोई दिमागदार और पढ़ी लिखी लड़की ही कर सकती है। थैंक यू मां साहब। इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई जरूरी है, ताकि वो ससुराल आके अच्छी बहू बन सके। मां साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पापा भी लड़कियों की पढ़ाई को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका मानना ये है, एक पढ़ी लिखी लड़की एक पढ़ा लिखा परिवार बनाती है। सही मानना है उनका, इसीलिए हर साल मैं SB कॉलेज में लड़कियों की पढ़ाई के लिए पैसे भिजवाती हूँ। जाकर ये चेक SB कॉलेज में पहुँचा देना। हम नहीं जानते थे कि आप भी लड़कियों की पढ़ाई को सपोर्ट करती हैं। हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि आपसे पूछे कैसे। अब क्या पूछना है? वो होली के बाद ना हमारे BEd की क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ना। फिर गलत समझ लिया तूने। मैंने कहा मैं लड़कियों की पढ़ाई पे विश्वास रखती हूँ। लड़कियों को तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद बहुओं पे जिम्मेदारी होती है घर की, जैसे कि पतियों की जिम्मेदारी घर वालों की, घर को संभालने की, खाने की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, अपनी सेहत के साथ साथ घर में सबके सेहत की जिम्मेदारी। अब ये सब जिम्मेदारियों के रहते पढ़ाई की जिम्मेदारी आ जाए, तो ये सभी जिम्मेदारी धरे के धरे रह जाती है। माँ साहब, हम काम और पढ़ाई दोनों साथ में अच्छे से कर सकते हैं। अगर परिवार एक कश्ती है, तो पढ़ाई दूसरी कश्ती। और वो तो तूने सुना ही होगा कि जो दो कश्तियों में सवार होते हैं उसका क्या होता है। और मैं अपने परिवार की नैया को तेरे पढ़ाई के चक्कर में डूबने नहीं दे सकती। लेकिन माँ साहब, टीचर बनना सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पापा का भी सपना है। खुली आंखों से सपने मत देखा कर। ये चेक याद करके दे देना। मैं दफ्तर जा रही हूँ। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? माँ साहब ने पहले उस चश्मिश को अपने ऑफिस में बुलाया और अब अपने कमरे में, और अब माँ साहब के कमरे से निकलने के बाद
वो महारानी दद्दो के पास बैठ के उनके तलवे चाट रही है। बहुत चला गया वो। बबीता रानी, अकलमंद तो तुम पूरी दुनिया की बनी फिरती हो, फिर तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता चली? हाँ, ये दोनों पति पत्नी अपने नंबर बढ़वाने में लगे हैं। उधर वो सत्तू, उसने पूरे कारोबार को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और इधर ये परी मां साहब और दद्दो को अपने कब्जे में ले रही है। देख लेना तुम दोनों, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब दूध सागर की चाबी होगी सत्तू के पास, और इस पूरे घर की चाबी होगी परी के हाथों में। ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। चाबियां तो मां साहब हमें ही देंगे। जैसा सोच रही हो ना तुम लोग, होगा नहीं वैसा। तुम दोनों सोच लो जो सोचना है, लेकिन घर के बड़े तो हम ही हैं। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? तो में बात समझ में नहीं आती है कि मां साहब ने अपने बलबूते पे ही सब कुछ किया है ना, और लड़कियों की पढ़ाई पे इतना जोर भी डालती है, फिर वो हमें क्यों नहीं पढ़ने दे रही है? इसका मतलब तू आज तक अपनी माँ साहब को बिल्कुल नहीं समझी। मतलब जब चारों बच्चे छोटे छोटे थे, तब से उसने घर को और कारोबार को मेरा बेटा बनकर संभाला है। बाहर का काम करने की वजह से उसको लगता है कि घर पे वो ध्यान ज्यादा नहीं दे पाए, ये बात उसको आज तक खटकती है। अब समझी नहीं समझी? बेटा ये तो भावना का मानना है ना, तू बता तेरा क्या मानना है? तो हमारा मानना ये है ना कि लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, जिससे हम एक अच्छी बेटी बन सके, अच्छी बहू बन सके, और एक अच्छी पत्नी। तो भगवान जी ना करे कि हमें ऐसी जरूरत पड़े कि हमें पैसे कमाने पड़े, तो पढ़ाई तो हमारे काम आएगी। तो बचपन से हमारा सपना रहा है एक टीचर बनने का। अगर पढ़ाई तुझे इतनी अच्छी लगती है तो हिम्मत मत हार, बचपन के सपने को ऐसी टूट जाने देगी? जब मन में विश्वास सच्चा हो तो आस नहीं छोड़ते। जब से हमने माँ साहब से झूठ बोला है, हमें बेचैनी सी हो रही है। अब हमें तभी शांति मिलेगी जब हम माँ साहब को सब बता देंगे। ये परी जी क्या कर रही हैं? माँ, हमें बहुत याद आती है आपकी, अब आप भी हमें कोई रास्ता दिखाइए प्लीज माँ। अब हमें पता है कि आगे हमें क्या करना है। कॉलेज तो वैसे भी होली के बाद ही शुरू होगा ना, लेकिन तब तक हम माँ साहब को दिखा देंगे। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ हम बेस्ट बहू भी बन सकते हैं। थैंक यू माँ।
कल सबसे पहले तो हम ही उठेंगे। अब देखते हैं हमसे पहले कौन उठता है। आने तो हम इंटेलिजेंट हैं, सुंदर हैं, भला हमसे किसका मुकाबला। हम तो हैं ही बेस्ट। मुसीबत है, सुबह सुबह उठकर कितना कुछ करना पड़ रहा है मां साहब को अपने बस में करने के लिए। कोई बात नहीं मंजरी, कोयले की खान में हीरे की तरह चमकने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और खासकर मां साहब के दिल में घर बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। बाकी दोनों जब हमें ऐसे तैयार देखेंगी ना, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सारी सफाई हो गई, हम जल्दी से नहा लेते हैं, फिर पूजा भी करनी है। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जी पार्वती पिता। भाभी, मंजली, मंजली तुम? भाभी आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? हानी तो भाभी, आप दोनों इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई। भाभी आप दोनों इस वक्त क्या कर रही हैं? हम भी वही कर रहे हैं बहन, जो तुम यहाँ करने आई हो हानी तो। एक मिनट, आप तीनों इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई हैं? कोई त्योहार है क्या आज? हम तो रोज ही इसी वक्त उठते हैं। चलिए हमने तो पूजा कर ली है, अब घर को शुद्ध कर देते हैं। हम भी घर को शुद्ध कर ले। अरे ये घर में क्या हो गया, इतना धुआं क्यों है? आग लग गई भैया पूरे घर में। ठीक है जल्दी जल्दी मैं फायर ब्रिगेड को बुलाता हूं। अरे शराबी, सब लोगों को लेके घर से बाहर निकलो जल्दी। जी सत्तू भैया। होली होती है भैया, ये सुबह सुबह पानी किसने गिराया हम पे? एक घंटा लगा के तैयार हुए थे। क्या हो रहा है ये सब? और तुम तीनों भीगी बिल्ली बन के क्यों खड़ी हो? माँ साहब हम पूजा कर रहे थे। माँ साहब वो, हाँ हम पूजा कर रहे थे ना, तो ये बबीता रानी पूरे घर में घूम घूम के धूप से धुआं कर रही थी। बस कीजिए भाभी, धुआं तो आपकी तरफ से भी कम नहीं सो लग रहा था। और तू, तू भी ऐसे ही पूजा कर रही थी? नहीं माँ साहब, हम सुबह जल्दी उठ गए थे जिससे हम पूरे घर की सफाई कर ले पूजा से पहले। देखो तुम तीनों, बहू के नाते तुम्हारा पहला काम है घर की साफ सफाई, और उसके बाद खुद की ये टीम टम करके पूजा करना। चलो, माँ साहब हमसे खुश तो हुई। सच में परी, माँ साहब को खुश देखने से मन को कितनी शांति मिलती है।
सत्तू जी, आज बड़े भैया ऑफिस नहीं जाएंगे, जबकि उन्होंने तो अपनी गलती भी मान ली है। हमें लगता है कि आपको उन्हें कंपनी में वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। सच जानने के बाद मासब अपने आप फैसला ले लेंगे कि क्या करना है। मतलब परी जी, हमने बहुत सोचा, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम मासब से झूठ बोल के नहीं जी सकते। हम बहुत परेशान हैं अंदर से। मासब माँ है हमारी, वो गुस्सा करेंगी, नाराज होंगी, लेकिन माफ भी कर देंगी, इसलिए हम उन्हें सच बता के ही रहेंगे। सत्तू जी, क्या कर रहे हैं आप? इस बात के चलते हुए भैया ने काम छोड़ दिया ताकि बात दबी की दबी रह जाए, और फिर आप ऐसे। परी जी, हम आपको आखिरी बार एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। बड़े भैया ने जो मिलावट की है दूध में, उसकी वजह से हमारी माँ को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। हमारी माँ ने क्या, हमारे दूध सागर ने, हमारे पूरे परिवार ने बहुत परेशानियां झेली। हमने अपनी माँ से झूठ बोला, जिसकी वजह से हम आज तक परेशान हैं, हम जी नहीं पा रहे। परी जी, जो भी भैया ने किया है ना, उसके लिए आज उनको जेल में होना चाहिए। उन्होंने धोखा दिया माँ साहब को। हमने आपके कहने पे मां साहब से ये बात छुपाई, और आज हम भी उस झूठ का एक हिस्सा बन चुके हैं।